कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की सीट पर उनके बच्चे कर रहे हैं दावा। क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ेगा परिवारवाद? कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज करीब 2 महीने का वक्त ही रह गया है। अप्रैल मई में चुनाव होने की सुगबुगाहट के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है, लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं में अपने अपने बच्चों को राजनीतिक तौर पर सेट करने की होड़ मची हुई है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं की फहरिस्त में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल हैं, जो अपने बेटे के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई मंत्री और नेता भी अपने बेटे बेटियों की लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की संख्या करीब 15 के आसपास है। खबर के मुताबिक कांग्रेस में टिकट पाने के लिए अब तक कुल 1800 आवेदन आ चुके हैं। इन आवेदकों में कई नेताओं के बेटे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उन सीटों पर बेहद कम आवेदन आए हैं जहां नेताओं के बेटे बेटियों ने अपनी दावेदारी की है। एक और मजेदार बात यह है कि नेताओं के बेटे बेटियां उन सीटों पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं और जो करीब सुरक्षित ही हैं। ऐसे आवेदकों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री HC महादेवप्पा और रामलिंगा रेड्डी की बेटी भी शामिल हैं। सिद्धारमैया के बेटे यथिंद्र वरुणा सीट से, HC महादेवप्पा के बेटे सुनील बोस नरसीपुरा सीट से और रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या जयनगर सीट से टिकट चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि सिद्धारमैया अपने डॉक्टर बेटे यथिंद्र के लिए वरुणा विधानसभा सीट छोड़ने का फैसला भी कर चुके हैं और इस बार वो मैसूर जिले से सटे चामुंडेश्वरी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसी तरह महादेवप्पा भी अपनी सीट छोड़कर CV रमन नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति कमोवेश बीजेपी और JDS में है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में जिस तरह अपने बच्चों को टिकट दिलाने की होड़ मची है, वो कहीं आगामी चुनाव में पार्टी पर भारी न पड़ जाए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।